यहाँ मैंने एक कप साबूदाना ले लिया है और इसे अच्छे से देख लिया था, साफ कर लिया था। तो ये मीडियम वाला साबूदाना है, वजन में ये 200 ग्राम के जितना होगा। तो यहाँ हमने मीडियम वाला इसलिए लिया है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। हमने पैन गर्म होने रख दिया है। अब ये जो साबूदाना हमने ले लिया है उसे इसमें भुनेंगे। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है। कलर बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, बस 5 से 6 मिनट के लिए हमें इसे भुनना है, जिससे कि थोड़ा क्रिस्पी ये हो जाए और पाउडर बनने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, इसे लगातार हमें चलाते हुए भुनना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कलर इसका नहीं बदला है। बस इसे हमें क्रिस्प करना है ताकि आसानी से हम इसका पाउडर घर पे ही बना के तैयार कर सके हमारे व्रत के खाने के लिए। तो अब बाजार से क्यों लाना, जब इतना आसान होगा घर में इसका पाउडर तैयार करना, तो ही इंस्टेंट तैयार हो जाती है ये। तो कुछ भी व्रत का खाना आपको तैयार करना है तो फटाफट से इसे इस तरह से ड्राई रोस्ट करके आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, 5 से 6 मिनट हमें इन्हें भूनते हुए हो चुके हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर लूंगी और इन्हें हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे। गरम गरम बिल्कुल भी हमें नहीं पीसना है, नहीं तो फिर ये पाउडर नहीं बनेगी अच्छे से। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब इसका हम पाउडर बना के तैयार कर लेंगे मिक्सर में। तो चलिए इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो साबूदाना भून के रखा था उन्हें पीस लिया है मिक्सर में। अच्छे से फाइन पाउडर बन गई है ये। तो आप देख सकते हैं हमारा साबूदाने का पाउडर बन के इंस्टेंट तैयार हो चुका है। आप इसे बना के तैयार करके डब्बे में रख लीजिए और कभी भी आप व्रत में इसे आप व्रत का नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कितना आसान था व्रत के लिए साबूदाने का आटा तैयार करना, और कितना फाइन पाउडर भी बन चुका है।